नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं निशा आपके साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, बकरीद का मौका है, सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कलीम है, मोहम्मद कलीम, आइए इनसे बात करते हैं। कलीम सर, बकरीद का मौका है तो इसमें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। लाइफ इंडिया न्यूज़ को हमारे तरफ से आदाब, जिन्होंने इस नाचीज़ को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। ईदुज़्ज़ोहा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार 10वीं ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है। ईदुल अज़हा के मौके पर पूरी दुनिया में हर मुसलमान अपनी सलाहियत के मुताबिक अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का मकसद एक तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत खुदावंदी में दी जाने वाली कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करना है, और दूसरी तरफ हम लोग इस गोश्त को अपने रिश्तेदारों, गुरबाओं, मशाकीन में तकसीम करते हैं ताकि उनको कुछ फरहम हासिल हो, फ़ायदा हासिल हो। आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को तह दिल से शुक्र अदा करता हूँ और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अभी जो देश का हाल है, हम लोगों को बहुत संभल कर कुर्बानी करनी चाहिए। ये कुर्बानी इस्लाम का देन है हम लोगों के ऊपर। हम लोगों को अपनी कुर्बानी से किसी गैर ज़ात को तकलीफ़ ना पहुँचे, बहुत सोच समझकर साफ़ सुथरा का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो और हमारी तकलीफ़ से किसी की ज़ात को तकलीफ़ ना हो। इसी तरह मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ।